तो स्वागत करता हूं दोस्तों आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे हैप्पी एनिवर्सरी का पोस्टर बनाना, ठीक है। बैनर, पोस्टर, कुछ भी उसको बोल सकते हो। किसी की हैप्पी एनिवर्सरी है तो उसको आप भेज सकते हो इस पोस्टर को बना के, या स्टेटस लगा सकते हो, किसी भी प्रकार से विश कर सकते हो इस पोस्टर के माध्यम से, ठीक है। तो बता दूंगा मैंने कैसे इस पोस्टर को बनाया, आपको स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझाऊंगा कि इस पोस्टर को मैंने कैसे बनाया। 4 मिनट की वीडियो में आप सब कुछ सीख जाओगे, और साथ में आपकी मदद के लिए आपको PLV फाइल भी दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो भी मैंने इसमें PNG वगैरह यूज की उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना, और अपना जो भी अच्छा सा पोस्टर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और कैसे मैंने इस पोस्टर को बनाया तो ये बता दूंगा, ठीक है। तो अपने पिक्चर लैब ऐप को ओपन कर लेते हैं दोस्तों, और आपको सिखाता हूँ कि किस प्रकार मैंने इस पोस्टर को एडिट किया। तो दोस्तों ये अपना प्रोजेक्ट है जो PLV फाइल है वेडिंग एनिवर्सरी का, ठीक है। ये कैसे बनाया चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल सी इन सभी को मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ, और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा कि किस प्रकार मैंने इसको एडिट किया, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें, और इसकी PLV फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपको आसानी हो ऐसा पोस्टर। सबसे पहले आपको वाइट बैकग्राउंड ले लेना दोस्तों। साइज़ आपको बता दूँ, साइज़ क्या लेनी है आपको, साइज़ मैं बता रहा हूँ, वो साइज़ आपको ले लेनी है। आपको साइज़ ये लेनी है, देख लो, आपको 1280 और 800 की साइज़ आपको ले लेनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, अपना जो भी कपल है या जिसकी भी एनिवर्सरी है तो उसकी साइड में फ़ोटो आपको लगा देनी है, ठीक है। इस साइड में फ़ोटो आपको लगा देनी है, जैसे मैंने ये लगा रखी है, ठीक है, ये वाली, या फिर एक फ़ोटो है ये वाली, ठीक है। इतना करने के बाद आपको एक PNG दूंगा मैं, जो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये वाली जो वन साइड वाली, ठीक है, ये वाली आप देख रहे हैं, ये वाली PNG यहाँ पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद आपको टेक्स्ट लिखना है हैप्पी एनिवर्सरी, ठीक है, जिसका आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। हैप्पी, और नीचे ये हैप्पी को थोड़ा बड़ा कर देना है, और इसके नीचे एडजस्ट कर देना है एनिवर्सरी को, ठीक है, छोटा करके। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इस तरह आपको ये कर देना, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे। फिर आपको क्या करना, एक PNG लेनी है, ये वाली PNG यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। ये वाली PNG लगाने के बाद यहाँ पर आपको इसके ऊपर लिख देना जो भी एनिवर्सरी है, पहली या दूसरी या तीसरी, कुछ भी हो इसके ऊपर लिख देना। तो हमें सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है, ये सेकंड यहाँ पर हमने लिख दिया। और फिर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, ये गिफ्ट की PNG होती हैं, तो ये PNG यहाँ पर एडजस्ट कर देनी है, ठीक है। ये 3 PNG यहाँ पर लगा देनी है, एक गिफ्ट वाली, एक लव वाली, एक गिफ्ट वाली, ठीक है। इतना करने के बाद ये फ़ोटो को दोबारा यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। इस फोटो को गोल कट कर लेना है, इस फोटो को जैसे मैंने कर रखा है, ठीक है, आपको भी कर लेना है इसी तरह। और यहाँ पर एडजस्ट आपको कर देना है गोल कट में लेके, बाद साइड में इसको बॉर्डर दे देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अपना ये पोस्टर है ये बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पर एक PNG लगा सकते हैं, फूल की या कुछ भी, फॉलोअर्स कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लगा रखी है, ताकि पोस्टर अच्छा दिखे, अच्छा बने। तो अब देख लो अपना पोस्टर रेडी हो चुका है। दोबारा आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइज़ ले लेनी है। साइज़ लेने के बाद पीछे वाइट बैकग्राउंड लेना है, फिर ये वाली फ़ोटो लगा देनी है, फिर ये वाले शेप ले आनी है यहाँ पर, फिर हैप्पी एनिवर्सरी यहाँ पर लिख देना, फिर गिफ्ट वाली PNG यहाँ पर लगा देनी है, फिर सेकेंड वाली ये लगा देनी है, और फिर इसको गोल कट में यहाँ पर लिख देना है, फिर अपना पोस्टर बन के रेडी हो जाता है। इसकी PLV फाइल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। PLV फाइल का पासवर्ड मैं आपको बता दूँ, आपको लगाना है 40 50, ठीक है, ये पासवर्ड आपको लगा देना है, अपनी जी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, जो भाई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।